22वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज हुआ ढाका में बांग्लादेश नेशनल म्यूजियम में। 9 दिवसीय इस फिल्म महोत्सव में 74 देशों से 253 फिल्मों को प्रदर्शित किया जा रहा है। इस फिल्म महोत्सव में खास मेहमान के रूप में शिरकत की विख्यात भारतीय अभिनेत्री शर्मिला टैगोर ने। शर्मिला टैगोर इस फिल्म महोत्सव में बतौर जूरी भी हिस्सा ले रही हैं। इस मौके पर शर्मिला टैगोर ने कहा कि सिनेमा की कोई भाषा नहीं होती और मौजूदा दौर में सिनेमा अभिव्यक्ति का एक बेहद सशक्त माध्यम बन चुका है। ढाका इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव का आगाज हुआ फिल्म फरिश्ते से। ईरानियन निर्देशक मोर्तजा द्वारा निर्मित फरिश्ता एक बांग्ला भाषा में बनी बांग्लादेशी फिल्म है और ईरान और बांग्लादेश का संयुक्त उद्यम है। ये एक जोड़े फरिश्ता और उनके पति अमजद की कहानी है, जो अपनी इच्छाओं को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहते हैं। फिल्म फरिश्ता का 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सिनेमा ऑफ द वर्ल्ड श्रेणी के तहत विश्व प्रीमियर हुआ था। इसमें बांग्लादेशी अभिनेता सुमन फारूक अहम भूमिका में हैं। अभिनेता सुमन फारूक ने अपनी फिल्म के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जैसे प्रतिष्ठित मंच पर प्रीमियर होने के बाद ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में शिरकत करने पर बेहद खुशी जताई। बांग्लादेशी सिनेमा, उभरते फिल्मकारों, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के लिए ये फिल्म महोत्सव एक बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है। पार्ते, पार्ते, शीर, शीर,